छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दो भैंसों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर भूसे में यूरिया मिलाकर चार भैंसों को खिलाया है, जिसके चलते चार भैंसों में से दो की मौत हो गई है तथा दो की हालत अभी नाजुक है। ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जौराही का है। बता दें कि भैंस श्यामधारी यादव की बताई जा रही है, जो कि जौराही के निवासी हैं, जहां रात में अनजान व्यक्तियों के द्वारा भूसा में यूरिया मिलाकर भैंसों को खिला दिया गया, जिससे दो भैंसों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामवासियों में हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना की जानकारी थाना रघुनाथपुर को दी गई, जिसके बाद रघुनाथ नगर पुलिस ने जांच तफ्तीश शुरू की। वही पीड़ित व सभी ग्रामवासियों ने बताया कि अगर पुलिस विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम मुख्य मार्ग को जाम करेंगे। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। कोई अज्ञात व्यक्ति भूसा और यूरिया मिला करके सभी भैंसों के जहाँ बंधी थी उनके मुँह के सामने रख दिया गया और उसको खा करके मृत मिली है। तो कितने भैंसें मृत पाई गई? दो जो दूध देने वाली भैंसें दो थी, वो दोनों मृत पाई गई और दो अभी अभी ठीक हुई है। चार भैंसों को दिया गया था? हाँ, चार भैंसों को दिया गया था। तो सुबह हुआ तो इसके बारे में आपने इस थाना में शिकायत? थाना में बड़े सुबह अपने लड़के को भेज करके लगभग 7-7:30 बजे ही हमने सूचित करवा दिया और सूचना के बाद एसआई साहब आए। हम लोगों ने बात रखा कि इसमें डॉग मंगा करके पकड़वाया जाए। खबर यहाँ तक आया कि डॉग आ रहा है, आपका काम साल हो जाएगा। जब अभी अभी तुरंत बोला जा रहा है कि डॉग नहीं आ पाएगा, 4-5 बजे अभी अभी बोला जा रहा है। और ऐसा जो घटना घटा है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, वो अभी मेरे जानवरों का हत्या किया है, आने वाला मेरे परिवार का भी कर सकता है। तो आप पे अगर किसी पे शक है इधर? शक बता के क्या करेंगे? तो क्या चाहते हैं इस पे? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो डॉक्टर आए थे पीएम के लिए, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? वो तो अपनी जांच सही किया है और वो लैब से सही करके भेजेंगे, बजरते अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो हमारे परिवार का नाश है। अगर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती तब क्या करेंगे इस पे? अब हम क्या करेंगे? पूरा गाँव कह रहा है कि हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे, पूरा गाँव कह रहा है। यादव, यादव जी, यहाँ जो रात में जो भैंसों को यूरिया देके मारा गया था, तो कैसे कैसे पूरा घटना हुआ था, विस्तार से थोड़ा बताइए तो। अरे घटना सुबह हम लोग को पता चला 6:30 बजे, और हम लोग आए मौके पर, देखे दो भैंस मृत पाई गई और आग में भूसा मिला के भूसा में यूरिया डाल के दिए थे। तो इसमें कितने भैंसें मृत पाई गई? सिर्फ दो। और स्टाफ थाना रघुनाथ से कोई आया था यहाँ? हाँ, थाना से सिपाही और दरोगा जी आए थे पहले, इसके बाद बोले कि आप लोगों का काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम मुजरिम पकड़ेंगे, डॉग को मंगाया गया है, डॉग स्क्वाड लाने के लिए बोले थे जी। तो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं इस पर आप? इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जो कि आने वाले भविष्य में ऐसा दोबारा कोई गलती करने का सोचे भी ना। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे इसकी? कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग चक्का जाम करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.